नमस्कार, बीच टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आ चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जबरदस्त है। फिल्म में रणबीर कपूर को अपने अभी तक के सबसे खूंखार रोल में देखा जाने वाला है। इससे पहले मूवी का टीजर और गाने रिलीज कर मेकर्स ने फैंस के बीच माहौल सेट कर दिया था। ट्रेलर में आप रणबीर कपूर को देखेंगे। वो अमीर के घर के सीधे साधे बच्चे हैं जो आगे चलकर बिगड़ेल बनता है और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन जाता है। उसका रिश्ता अपने पिता से काफी उलझा हुआ है और अब वो पिता का ही बदला लेने के लिए ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहाँ से जिंदा लौट पाना बेहद मुश्किल है। नेटफ्लिक्स पर कुछ दिनों पहले वेब सीरीज द रेलवे मैन रिलीज हुई है। सीरीज को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है। द रेलवे मैन वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के टॉप 10 शो में शामिल है। अब यश राज फिल्म्स अपनी अगली सीरीज अक्का की तैयारी कर रहा है। बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स के बीच डील हुई है। इसके साथ ही द रेलवे मैन इस कोलैबोरेशन का पहला प्रोजेक्ट बना जिसमें 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के अनसुने हीरोज की कहानी दिखाई गई है। मोनी रॉय का नाम बॉलीवुड की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस में लिया जाता है। एक्ट्रेस एक्टिंग के साथ साथ अपनी बोल्ड अदाओं को लेकर भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हाल ही में मोनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपनी मदमस्त अदाएं बिखेरते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं। फैंस को भी मोनी रॉय की ये तस्वीरें काफी पसंद आ रही है। एक्ट्रेस एथनिक हो या वेस्टर्न आउटफिट, हर किसी में कहर ढाती हुई नजर आती है। इस बार भी मोनी रॉय बॉडी हंगिंग आउटफिट में किलर पोज देते हुए दिखाई दे रही है। बिग बॉस सीजन 17 अब अपने मिड सीजन में पहुंच चुका है। छठा हफ्ता क्रॉस करने के साथ ही सलमान खान का ये विवादित शो अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दिल दिमाग और मकान में रहने वाले कंटेस्टेंट को अपनी हरकतों की वजह से वीक डेज पर बिग बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ा, तो वहीं वीकेंड के वार पर भी कुछ कंटेस्टेंट सलमान की रडार पर रहे। इस बार सलमान खान वीकेंड के वार पर सबसे ज्यादा जिन कंटेस्टेंट पर भड़के वह है मुनव्वर फारूकी और विक्की जैन, जिनका गेम बाहर तो दर्शकों को पसंद आ रहा है लेकिन सलमान खान उनके गेम खेलने के तरीके से काफी खफा खफा नजर आए। हाल ही में वीकेंड के वार में सलमान खान ने दोनों के गेम की पोल खोल डाली। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज कुछ महीनों पहले ही मां बनी हैं। उन्होंने 1 अगस्त 2023 को अपने बेटे का दुनिया में स्वागत किया। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपने बेटे की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपने लाडली की खूबसूरत फोटो फैंस के साथ शेयर की है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले अपने बेटे के नाम का भी खुलासा किया। इलियाना ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम कोआ फिनिक्स डोलन रखा है। अब इलियाना अपने बेटे कोआ के साथ अपना पहला थैंक्सगिविंग मना रही हैं, जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।